हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी की एक वर्कशीट देखेंगे। ये वर्कशीट उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स के बेस्ड बनाई गई है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आई होप आपको अच्छे लगेगी ये वर्कशीट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है, देखिए जो उनके पाठ्य पुस्तिकाएं हैं उनसे तो जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग है, बट ग्रामर का जो पोर्शन है वो हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आदमी, इसका लिंग हमें बदलना है। तो आदमी का औरत, प्याला प्याली, बूढ़ा बुढ़िया, माली मालिन, घोड़ा घोड़ी, बंदर बंदरिया। मेरे हर एक जो भी हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल वीडियोस हैं। यहाँ हम सिर्फ जो आंसर्स हैं, जो टाइप ऑफ पैटर्न है क्वेश्चंस का वो डिस्कस करेंगे। लिखे हुए अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप मेरी पहले की वर्कशीट्स में देख सकते हैं। लिखते हुए स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से लिखना है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा इनका बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन टू है वचन बदलो, दरवाजा दरवाजे, लड़की लड़कियां, कलम कलमे, टोपी टोपियां, देवी देवियां, पुस्तक पुस्तकें। इस टाइप से सही सर्वनाम लिखो। डैश घर जाएगा, डैश कल घर जाएगा, तो वह कल घर जाएगा। कल डैश लोग जल्दी चले गए, कल वे लोग जल्दी चले गए। सीमा डैश कहाँ जा रही हो, सीमा फिर देखें यहाँ पे कॉमा है, तुम कहाँ जा रही हो। डैश सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पे लिखते हैं, जिनको कि इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए विशेषण। जो भी टॉपिक्स जैसा कि मैंने पहले कहा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल, हर एक जो टॉपिक है उस पर अलग से वीडियो है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। डैश लड़की, तो इसके लिए विशेषण यूज करना है, मतलब एडजेक्टिव यूज करना है, तो कोई भी एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं। मोटी लड़की, सुंदर लड़की, ईमानदार, छोटी, काली, गोरी, ठीक है, चालाक, कुछ भी। डैश बाल, काले बाल सफेद बाल। डैश फूल, सुंदर फूल, दो फूल, एक फूल। डैश आदमी, गोरा आदमी, मोटा आदमी। अगला देखिए डैश आकाश, नीला आकाश, काला आकाश। डैश पर्वत, ऊंचा पर्वत, बड़ा पर्वत, हरियाली, हरा भरा पर्वत, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए नीचे लिखे क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। अब इसको पूरे जो पैराग्राफ है मैंने तीन से चार लाइनों में लिखा है, ये इससे बड़ा भी आ सकता है। आपको क्रिया शब्द जो है उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो क्रिया शब्द क्या होते हैं, जिनको कि हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जहां कुछ एक्शन हो रहा होता है, एक्टिविटी हो रही होती है, जैसे कोई काम हो रहा है, रोहन खेल रहा है, तो रोहन तो एक संज्ञा है, खेल रहा है तो खेल रहा है, ये हो जाएगा आपका क्रिया, ठीक है, खेल रहा है। नेक्स्ट माँ खाना बनाएगी, तो माँ नहीं होगा, खाना भी नहीं होगा, बनाएगी होगा। सब खाना खाएंगे, तो खाएंगे। काजल पुस्तक पढ़ो, तो पढ़ो। बाहर मत जाना, तो जाना, इस टाइप से। अगला देखिए विराम चिन्ह और उसके नाम को रेखा खींचकर मिलाओ। तो चार प्रकार के जो पंचुएशंस होते हैं हिंदी में वो हैं इस बार थर्ड क्लास में, वो है प्रश्न चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क, मैचिंग करनी है। विस्मय आदि बोधक, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसी को हम हिंदी में विस्मय आदि बोधक कहते हैं, जो कि होता है ये वाला। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, अल्प विराम मतलब कॉमा, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आप देखिए विलोम शब्द लिखो, मतलब ऑपोजिट लिखो। सत्य असत्य, मौखिक लिखित, कोमल कठोर, जय पराजय, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द लिखो, आग
अग्नि, घर, ग्रह या आलय, आकाश, नभ या आसमान, जल, नीर या पानी। जितने आपसे पूछे जाएं आप उतने यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखिए, इस टाइप का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आता ही है आपका, जिसमें कि आपको बीमार होने पर अवकाश के लिए मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्रार्थना पत्र है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? हो सकता है सिर्फ ऐसे लिख के ही यहाँ पे कुछ मार्क्स आपको डाल दिए जाएं और पूरा खुद लिखना हो, और कई बार क्या होता है कुछ चीजें लिखी होती हैं और कुछ आपको फिल करनी होती हैं, तो हम ये वाला पैटर्न देख रहे हैं। अगर आपको पूरा लिखने को दिया जाए तो आप वो शुरू से लेके एंड तक पूरा लिख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें जैसे हमें बीमार का दिया हुआ है यहाँ पे विषय, आपको कुछ और दिया हुआ हो, शादी में जाना है या कुछ और भी हो सकता है विषय, तो आप विषय को ध्यान में रखकर ही प्रार्थना पत्र लिखें। बट जो मेन इसका जो ये आप कह सकते हैं कि जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा, जो बीच का कंटेंट है वो बदल जाएगा। जैसे हमें बीमार पे लिखना है तो सेवा में मुख्य अध्यापक महोदय, और अगर प्रिंसिपल मैम है तो मुख्य अध्यापिका महोदया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल कहाँ है, जैसे कौन से शहर में है वो लिखना है। विषय, विषय जो दिया गया होगा हमें प्रार्थना पत्र में वही लिखना है कि अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। जैसे हमें यहाँ पे छुट्टी चाहिए तो वही है अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। अगला देखिए, उसके बाद आपको मेन कंटेंट लिखना शुरू करना है। आदरणीय महोदय, निवेदन ये है कि पिछली रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का आराम करने के लिए कहा है, तो कृपया करके आप मुझे, अब यहाँ पे आपको डेट फिल करनी है, जैसे कि सपोज करो आज 1 तारीख है, तो 1, 2, 3, आपको 3 तक चाहिए ना छुट्टी, तो जैसे 1, 9 और 2021 से लेकर 3, 9, 2021 तक, मतलब 1, 2 और 3, 3 दिन की छुट्टी तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। अब ये भी कई बार मेंशन होता है कि 1 दिन की छुट्टी चाहिए या 3 दिन की, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। प्लस हम जब याद करते हैं एप्लीकेशन तो जो डेट्स दी होती हैं कई बार हम उन्हें ही एग्जाम में लिख देते हैं, वो बहुत रोंग होता है। आपको जिस दिन आपका एग्जाम है या तो उसके अगली डेट आप लिखिए, ठीक है, अगली डेट से शुरू कर बाद की डेट आप डालिए। ऐसे नहीं है कि आपने 3 महीने पहले की ही डेट डाल दी जो आपने लर्न किया था, तो इसका आप जरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, और अगर गर्ल है तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और उसके बाद आपको यहां अपना नाम लिखना है। पहले आपने लिखा आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, वहां नाम नहीं लिखना है, यहां नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपकी जो कक्षा है, तीसरी अ या ब जो भी है, क्रमांक मतलब रोल नंबर लिखना है, और फिर लास्ट में आपको उस दिन की तिथि लिखनी है। तो डेट में भी हम वही सेम मिस्टेक करते हैं, डेट भी आपको जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उस दिन की ही लिखनी होती है। हो सकता है आपको 1 महीने या 1.5 महीने पहले प्रैक्टिस में आपको नोटबुक में ये एप्लीकेशन लिखाई गई हो, आप वही उसमें डेट लिख देते हैं। नहीं, आप कोशिश करें कि जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपका जो एग्जाम है, टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, उस दिन की आप डेट लिखें और उसी के अकॉर्डिंग अपने दिन जो है, 3 दिन के आपको चाहिए, 2 दिन चाहिए या 1 दिन चाहिए, वो दिन काउंट करके लिखें। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।